नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीटफ्लिक्स पे। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा ब्रीफ में इंट्रो देता हूं अल्कोहल्स के बारे में। जो अल्कोहल्स होते हैं इनका एक क्रूड सा, जनरल तो नहीं लेकिन एक क्रूड सा फॉर्मूला होता है ROH। R स्टैंड्स फॉर एनी एल्किल ग्रुप and OH here signifies that it is going to be an alcohol। तो जो OH group है उसका presence बताता है कि कोई भी compound क्या है, alcohol है। तो यहां पर जहां पर भी OH लगेगा वो हमें बताएगा particular जो locus है उसका alcohol का, ठीक है। अब जब भी हम इसको name करेंगे सबसे पहले ये भारी सा functional group है। जो हैलोजन्स थे वो भी फंक्शनल ग्रुप्स थे, लेकिन जब भी हम उनको नेम कर रहे थे नॉमेनक्लेचर में उनका जो रोल था वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट था, तो हमेशा उनका प्रीफिक्स आ रहा था। लेकिन यहां पे ये प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। सफिक्स क्या होता है इसका, ओल। सफिक्स है ओल, ओएल ओल। एल्कोहल का जो लास्ट आ रहा है ना ओल, आप यहां समझ सकते हो ओल। कई बार अगर इससे ज्यादा कोई डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर में नेम पहले आता है, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड, अगर मतलब कहने का मतलब ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अल्कोहल भी साइमल्टेनियसली है और एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो वो और भी भारी फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। उनके कंपेरिजन में जो एल्कोहल है उसका प्रायोरिटी कम होता है। तो उस केस में जहां पर अल्कोहल एक हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप नहीं है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप नहीं है, उन केसेस में मैं हमेशा इसका प्रीफिक्स यूज करता हूं। और इसका प्रीफिक्स भी आपको पता होना चाहिए, वो होता है हाइड्रोक्सी। इस वीडियो में आपको सिर्फ सफिक्स का यूज बताऊंगा, प्रीफिक्स का यूज जब हम मल्टीफंक्शनल कंपाउंड करेंगे तब हम बात करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड है, वही सारे स्टेप्स है नेमिंग के। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन तो ये हो गया, ठीक है। नंबर कर दो, अब फंक्शनल ग्रुप आ गया। इस बार तो हमें नंबरिंग तो वैसे ही होगा, ऑब्वियसली ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा यहाँ पे, तो उस साइड से नंबर करूंगा जहां से एल्कोहल क्लोज होगा। नेमिंग के टाइम पे ध्यान देना बिकॉज यहाँ पे सफिक्स टू भी यूज करेंगे हम इस बार। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, एल्किल ग्रुप हैलोजन या नाइट्रो ग्रुप है, नहीं है, तो प्रीफिक्स तो नहीं आएगा, रूट नेम लगेगा। रूट नेम क्या होगा, पेंट, सॉरी रूट नेम होगा ब्यूट, बिकॉज यहां पे चार कार्बन है। रूट नेम होगा ब्यूट बिकॉज यहां पे चार कार्बन है। उसके बाद सफिक्स वन क्या होगा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है पूरी चेन के अंदर, तो सफिक्स वन हो जाएगा एन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सफिक्स टू क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सफिक्स होता है ऑल, तो सफिक्स टू क्या हो जाएगा यहां पे ऑल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सिंपल ब्यूटेनॉल। पर क्या है, सही है नहीं, ये सही नहीं है। इसमें एक चीज मिसिंग, जो अल्कोहल है मैंने उसका पोजिशन असाइन नहीं किया है। ये कब सही होता, ब्यूटेनॉल, अगर जो मेरा ओएच ग्रुप होता वो टर्मिनल पोजिशन पे होता तब अंडरस्टूड है कि अगर मैंने ऑल पे कोई नंबर नहीं लगाया तो फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन अगर इसका कोई और पोजीशन है वन के सिवा तो मैं कहां से इसका नाम कैसे लिखूंगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, मैं उसका पोजीशन भी लगा दूंगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं कोई भी, हमने मैथिल ग्रुप बहुत ले लिया, इस बार नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें वही हमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, कर लेते हैं लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सिलेक्ट। नेक्स्ट स्टेप है नंबरिंग,
अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक फंक्शन ग्रुप है। प्रायोरिटी हमेशा फंक्शन ग्रुप का ज्यादा हुआ किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से। इस एग्जाम्पल को लेने का पॉइंट ये था, ये बताने के लिए कि फंक्शन ग्रुप का प्रायोरिटी हमेशा हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा रहेगा। मैंने आपको जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे हैं, चाहे कोई भी ले लो, चाहे नाइट्रो हो चाहे एल्केन हो, उसका प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगा। इसलिए नंबरिंग मैं उसी एंड से करूंगा जिस एंड से फंक्शन ग्रुप क्लोज होगा। तो यहां पर नंबरिंग हो जाएगी ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। सर कर देता हूं मैं समझने के लिए, ठीक है। तो मीनिंग के लिए सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स आएगा सब्स्टिट्यूएंट से, और सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो ग्रुप। तो मैं लिखूंगा नाइट्रो, पोजिशन क्या है नाइट्रो का, 4। तो 4 नाइट्रो, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो रूट नेम हो जाएगा पेंट, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सफिक्स 1 जो है, सफिक्स 1 तो हो जाएगा एन, सफिक्स 2 बिकॉज एल्कोहल है सेकेंड पोजिशन पे, तो हो जाएगा 2-ऑल। तो इसका नेम क्या हो गया, इसका नेम हो गया 2 नाइट्रो पेंट पेंटेन 2-ऑल, 4 नाइट्रो पेंटेन 2-ऑल, ये इसका नेम हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं 4 नाइट्रो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पे हम पॉलीऑल कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। पॉलीऑल मतलब दो, एक से ज्यादा बार अगर एल्कोहल किसी कंपाउंड के अंदर आ रहा है, लाइक इस एग्जांपल में, तो हम उसको कैसे नेम करेंगे। ये बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं। ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो गई, फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप नंबरिंग, नंबरिंग के साइड से करूंगा। यहां पे अब क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, एल्कोहल है और एल्किल ग्रुप्स है ब्रांच पॉइंट्स पे, लेकिन नाइट्रो और एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसका होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप का, एल्कोहल का। जो दो OH है वो किस एंड से मुझे क्लोज मिलेंगे, अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबर करूंगा तो थर्ड पोजीशन पे आएंगे, और अगर लेफ्ट टू राइट नंबर करूंगा तो फोर्थ पोजीशन पे आएंगे। तो ऑब्वियसली मैं नंबर करूंगा इसको राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो प्रीफिक्स लगाते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हो जाएगा इसका सबसे पहले मैथिल या नाइट्रो ग्रुप। किसका नाम लिखूंगा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट से नाम उसका लिखूंगा जो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में पहले आता है। तो M N से पहले आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैथिल। मैथिल का पोजीशन क्या है, 2, तो हो जाएगा 2 मैथिल। उसके बाद नाइट्रो है फिफ्थ पोजीशन पे, 5 नाइट्रो। फिर मेरा रूट नेम, रूट नेम होगा हेक्स, वाई बिकॉज यहां पे 6 कार्बन है। फिर सफिक्स 1, सफिक्स 1 होगा एन बिकॉज हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है। और लास्ट है सफिक्स 2, वो होगा ऑल। लेकिन यहां पे दो एल्कोहल्स हैं, दो ग्रुप्स हैं एल्कोहल के, दो OH ग्रुप्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेम पोजीशन पे ना, तो पहले मैं उनको 3x3 लिख दूंगा। 2x3 लिखने का मतलब है कि दो ग्रुप्स हैं, ओके। तो 3.3 और 2 है, वो यार डायऑल से पता चल जाएगा। तो 3.3 डायऑल, ये मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता चुका हूं नॉमेनक्लेचर के। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 5 नाइट्रो हेक्सेन 3.3 डायऑल। डाय बताता है कि दो है, दो एल्कोहल है, और कहां कहां पर है वो 3.3 बता रहा है कि दो है और दोनों ही थर्ड पोजीशन पे कार्बन की। अब यहां पे आप देख सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या है। इस एग्जांपल से पता चल रहा है कि मेथिल ग्रुप क्लोज आ रहा था राइट से, ठीक है। तो मेथिल ग्रुप क्लोज आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मतलब है फंक्शनल ग्रुप से, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, और मैं वही एंड पिक करूंगा जहां से वो मुझे सबसे क्लोज मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन से कोई मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो प्रीफिक्स वाले एग्जाम्पल्स हम मल्टीफंक्शनल कंपाउंड्स में करेंगे। एक बार समराइज कर लेते हैं, आज हमने क्या देखा। जो अल्कोहल है उसका सफिक्स लगेगा ओल, अगर अल्कोहल हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। ध्यान क्या रखना है, जब भी इसकी हम नंबरिंग कर रहे हैं, कि अगर इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उस केस में अल्कोहल का सफिक्स नहीं लगेगा, उस केस में अल्कोहल का हमेशा प्रीफिक्स लगेगा जो होता है हाइड्रोक्सी। और अगर अल्कोहल है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो बार या दो से ज्यादा बार या एक से ज्यादा बार OH ग्रुप आ रहा है,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनका हम जो ऑल होता है उसे रिपीट नहीं करने के बजाय हम वहां पे डाई या ट्राई लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि कितने OH ग्रुप्स हैं और उनका पोजीशन हमेशा सफिक्स में इंक्लूड कर देते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।